गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई टीच यू क्लास टू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास टू में मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज का मेरा चैप्टर है 9, मनी। मनी मीन्स होता है पैसा, मनी मीन्स क्या होता है? पैसा। तो आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए, मनी इज फाउंड एज करेंसी नोट एंड कॉइन्स। हाँ, मनी जो है हम नोट को भी बोलते हैं और कॉइन को भी बोलते हैं। इन इंडिया, अपने इंडिया में रुपीज आर रिटेन, रुपीज को हम इस तरह से दिखते हैं और पैसा को रिटेन पी दिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पैसा चलता है उसको हम नोट को रुपया बोलते हैं और सिक्का को कॉइन बोलते हैं। रुपया इस तरह से दिखते हैं और पैसा ऐसे दिखते हैं। करेंसी नोट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रुपीज एंड क्वाइंस आर द यूज टू रिप्रेजेंट रुपीज एंड पैसा। तो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि रुपया या पैसा को, वो हमारा इंडियन करेंसी है और उसको हम किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, आनिया है जे बाय सम क्राफ्ट मटेरियल, और आनिया मार्केट जाती है और कुछ क्राफ्ट मटेरियल खरीद के लाती है और इसका प्राइस सब में दिया हुआ है। यहाँ दिया है स्टिकर एंड कलर, तो स्टिकर है और कलर है, दोनों का प्राइस 43 रुपीज है। रिबन, ग्लू और पोमपोम, तो रिबन है यहाँ, ग्लू है यहाँ और यहाँ पोमपोम है, तीनों का प्राइस 62 रुपया हुआ। कलर, रिबन एंड बटन, तो आप देखिए कलर, रिबन और बटन का प्राइस जोड़ते हैं तो होता है 61 रुपीज, और स्टिकर, ग्लू एंड पम्पम का प्राइस होता है आपको 49 रुपया। तो ये प्राइस यहाँ लिखना है। अब स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, कह रहा है यहाँ पर, सर्कल द क्वाइन यू विल नीड इन कलम बी टू मेक द अमाउंट गिवन इन द कॉलम ए। अब यहाँ देखिए, ये 50 रुपीज है और इसको कॉलम बी में जो पैसा दिया हुआ है उसमें से 50 रुपीज को सर्कल करना है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 10 का कॉइन है, तो 10, 5 जा 50, तो मैंने 10 तक में क्या क्या किया, 5 कॉइन को राउंड कर दिया। यहाँ देखिए, इसमें 10 रुपीज है तो यहाँ 5 रुपीज और यहाँ 5 रुपीज, दोनों को मैंने सर्कल किया। इस तरह से 20 है तो 10 रुपीज और 10 रुपीज को मैंने सर्किल कर दिया। यहाँ 5 रुपीज है तो इसमें 2 रुपीज और 1 रुपीज को मैंने सर्किल कर दिया, और यहाँ 20 है तो 10, 5, 5, 20, इस तरह से मैंने इसको सर्किल किया। और आप भी इस वीडियो को देखते हुए इस तरह से आप अपने बुक में इसको भरेंगे। ओके स्टूडेंट, अब है यहाँ, मैच द करेंसी नोट विद द करेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाइंस। यहाँ नोट दिया है और यहाँ क्वाइन दिया है। इस नोट में 2 रुपया का नोट है तो कहाँ पे 2 रुपया पूरेगा उसमें टिक करना है। देख लीजिए, मैं इस तरह से नोट को देख के और क्वाइन को देख के मैच किया है, अब भी आप इसको मैच कर देना। ओके स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सारे सवाल है जिसको बनाना है। इसमें है एडिशन और सब्ट्रैक्ट। देख लीजिए, यहाँ ऐड का सिम है तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो ऐड होगा। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, एक कैरी हो गया, और 4, 3, 7 और 1, 8, यहाँ 8 लिखेंगे। यहाँ माइनस करना है, 0 में से 0 माइनस हो गया 0, 7 में से 1 माइनस हुआ 6। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके बुक में, आप इसको बनाएंगे और सारे बुक को भरेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपका जो है कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ 7 है, 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ 25 पैसा है और 65 पैसा है, दोनों को प्लस करना है तो 25 में 65 प्लस किए तो 90 पैसा हो गया, और यहाँ 75 में से 35 को माइनस करना है तो 40 पैसा हो गया। इस तरह से बहुत सारे सवाल है जो आपको बुक में बनाना है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ भी एड है और सब्ट्रैक्ट है, इसको आप अपने बुक में जिस जैसे हमने बताया उसे आप भी इसको भरेंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ है 15 रुपया एंड 20 पैसा।
तो आप इसको कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल, 15 रुपया और उसमें यहाँ पैसा कितना है 20 पैसा, यहाँ 80 रुपीज और 30 पैसा, तो 80 रुपीज और 35 पैसा, 3 रुपया यानी 3 रुपया और 60 पैसा, 1 रुपीज और 10 पैसा, ऐसे लिखेंगे 95 रुपीज तो 95 प्लस 0.5 पैसा, 77 रुपीज तो यहाँ सिर्फ 77 रुपीज करा पैसा इसमें नहीं है, और यहाँ 26 रुपीज और 40 पैसा, यहाँ 79 रुपया और 51 पैसा। तो आपने देखा कि जो वर्ड में लिखा हुआ था इसको मैंने कैसे पैसे में लिखना है वो मैंने बताया। अब यहाँ है राइट द फॉलोइंग इन रुपीज एंड पैसा, वेरी सिंपल, यहाँ है 38 रुपया 45 पैसा, तो आप इसका स्पेलिंग लिखेंगे THIRTY 38EIGST 38 आप लिखेगा इसमें रुपीज, 38 क्या लिखना है इसमें रुपीज, क्या लिखेंगे रुपीज, 38 रुपीज एंड और कितना पैसा है 45 पैसा, आप क्या लिखेंगे पैसा। इस तरह से आप जैसे मैंने लिखा उस तरह से आप इसको लिखेंगे, पूरे बुक में भरेंगे, यहाँ 53 रुपीज एंड 10 पैसा, 185 रुपीज एंड 0 पैसा, 212 रुपीज एंड 5 पैसा, इस तरह से आप इसमें पूरा भरेंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारा वर्क इसमें दिया हुआ है, आप इस तरह से समझ के सारे बुक को भरेंगे। कुछ एग्जांपल और मैं आपको समझा देती हूँ। ओके बच्चों।